SDN न्यूज की बात आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SDN न्यूज में। मैं हूँ चांदनी। गुलाबबाग से गायब हुए युवक मोहम्मद फैयाज का शव कस्बा थाना क्षेत्र के फतेहपुर नहर के पास बरामद हुआ। बेरहमी से हत्या कर अपराधियों ने शव को खेत में फेंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी, शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल भेजा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे नहर के करीब जलावन चुनने पहुंचे तो उनकी नज़र शव पर पड़ी, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा थाना को दी गई। इधर मृतक की मां ने पुलिस को बताया कि फैयाज बुधवार को 2 बजे घर से गुलाबबाग मार्केट के लिए निकला था। वह गुलाबबाग मार्केट में मजदूर का काम करता था। शाम को जब घर नहीं आया तब से उसकी खोजबीन शुरू हुई थी। कहाँ निकला था? कहाँ निकला नहीं बोला। कुछ बोल क्या था? कुछ तेरा ने बताया। फोन लगाए ने बोला, कुछ नहीं। साथ मार को था उसका? कौन था? साथ में कौन है? मोबाइल था उसके पास में? हां मोबाइल था। क्या नाम है? जवाब बतावे। फोन लगाते तो सुनो बता। अपना नाम क्या है? साजो। काका का नाम? फैयाज। कहां के रहने वाला है? रहने वाला है गुलाबबाग करीमान टोला। कब से गायब था? कल 1 बजे निकला। दिन में? दिन में। कुछ कहा के नहीं आया था? कुछ ना निकला, पूछते रहे, कुछ ना बोला। आपको किसी पे शक? किसी पे शक नहीं। हमको दादी है, वो बच्चा 4 साल का लड़का है।